Alright, Pakistan's unknown gunman. We showed you first time on Indian television speaking exclusively to India today. This is indeed a world exclusive. Pakistan in mortal fear because of this man. Now here his version on India Today. There's this man framed by Pakistan, branded a raw agent and a killer of terrorists. Now he speaks to India Today, demolishing the Pakistan lies. I'm gonna to cut to this world exclusive that he's had. With India Today's Arvind Oja, for the first time on te television, the unknown gunman's face unmasked. अशोक कुमार आनंद पर आरोप पाकिस्तान ने यह लगाया कि इन्होंने दुबई में रहते हुए फंडिंग की और पाकिस्तान में आतंकी रियाज की आतंकी आतं शाहिद की हत्या करवाई अब पहली बार वो अननोन मैन आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर है अशोक कुमार आनंद ये पासपोर्ट आपका ही है अशोक जी इसको ठीक से देख लीजिए ये आपका ही पासपोर्ट है अब इस पासपोर्ट के बारे में आपको रॉक हैंडलर्स बताया गया है कैसे जानकारी मिली क्या जानकारी मिली और पाकिस्तान ने आप पर, आप पर क्या आरोप लगाया सर मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसका मैं जब ये दुबई में बैठा था मैं अपने ऑफिस में बैठा था जस्ट मुझे कोई लोकल मेरा दोस्त लोग और बाकी इंडिया से भी कोई कॉल किए कि भाई आपका नाम कुछ टीवी पे आ रहा है कुछ इस तरह का कुछ है तो मैं बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं कुछ जानता नहीं है किसी को भी हाँ बाकी वो तो ऐसे अफवाह है कुछ नहीं है कोई चीज़ नहीं है और मेरा कोई जानकारी नहीं है ना ही आरोप कोई है. क्या लगाया आपके ऊपर आरोप ये लगाया कि मैं रॉक का पेडलर हूँ मैं ये काम किया हूँ वहाँ पे कोई कत्ल हुआ है तो कत्लों में मेरा हाथ है तो मैं तो जानता तक नहीं है मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ वहाँ पे ना ही कोई इधर कोई किसी को जानता हूँ मैं बिजनेस मैन हूँ दुबई में मैं अपना काम करता हूँ काम धंधे पे रहता हूँ तो बस वो, मुझे अचानक से फोन आ गया किसी से वो, वो, बस कोई कोई लोग मेरे को शेयर किया भला ऐसा हुआ वैसा हुआ बस इतना ही जानता हूँ मैं बस ये गलत है मेरे साथ में हुआ गलत है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं क्योंकि मैं बिजनेस मैन हूँ और मुझे ज़बरदस्ती का ये थ्रेट आया जैसा होगा ऐसा लग रहा है मेरे को अच्छा, नहीं, जब आपको कॉल आया पाकिस्तान में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त आप दुबई में थे जी सर मैं दुबई में था उस वक्त अच्छा। और जो टीवी में किसी ने देखा मेरा दोस्त लोग कहीं बॉम्बे से कहीं कहीं से मुझे कॉल किया कि भाई आप ठीक हो मैं बोला ठीक टीकूँ तो बोला मुझे कुछ खबर भी नहीं है मैं बोला ये सब चीज़ का तो ये सब बना बना कहानी है कुछ ऐसा मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने फिर आपने देखा टीवी में या सोशल मीडिया में कि आपका ये पासपोर्ट बकायदा अशोक कुमार आनंद का रिलीज किया और पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि आपने वहाँ फंडिंग की और दो जो हमारे भारत से वांटेड आतंकी थे वो तो उनको अपना नागरिक बता रहा है उनका मर्डर हो गया आपने ये पूरा क्लिप देखा जी सर मैंने देखा है क्लिप देखा टीवी पे देखा मतलब किसी दोस्त ने मेरे को क्लिप भेजा उसमें देखा <water navigating> <weddings> मैं तो ये सब चीज में नहीं पढ़ता हूँ कभी मुझे आइडिया नहीं था तो मुझे बताया गया कुछ फ़ंडिंग किया गया तो फंडिंग तो ऐसा कोई नहीं हमने तो कोई चीज़ को नहीं किया हाँ लेकिन मेरा स्टाफ रहता था कोई कोई आपको तो पता है दुबई के अंदर हर मुल्क का स्टाफ साथ में होता है नहीं। ऐसा नहीं कि वो इंडियन है हमारा जब जमता है या पाकिस्तानी के साथ नहीं जमता है तो ऐसा कुछ नहीं है सब वहाँ पर एक ही जैसा कानून है सबके लिए तो हमारा स्टाफ था पहले उसने कभी कुछ क्या किया मुझे तो उसका आइडिया कोई नहीं है वो पहले मेरा स्टाफ था क्या नाम था वो मोहम्मद मोहम्मद अली सफीर सफीर ऐसा नाम से जानते थे उसको बस इससे ज्यादा तो कोई नहीं जानता सर कभी आपके यहाँ पे वो काम करता था वो पहले हमारा एक इंटरनेट कैफे था तो उसके अंदर काम करता था सब कुछ वही संभालता था फिर वो क्या करता था मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका ना तो उसके यहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे दुकानों में नहीं। नहीं। फिर बस कभी इधर हमारे ऑफिस में भी आता था कुछ काम काज होगा तो बस इतना ही इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं तो क्या उसको पाकिस्तान ने पकड़ के तब ये आप पे एलिगेशन लगा दिया जी उसको एक्चुअली पाकिस्तान ने पकड़े तो बाद में तो उसको देखा हुआ कि स्पॉन्सर कौन है दुबई के अंदर तो वो चीज़ को लेके ये लोगों ने बस इतना बड़ा हाईलाइट करके सब क्लिक कराया तो इससे मेरे को बस तकलीफ है क्योंकि मेरा नाम पकड़ का स्फॉल और बंद बदनाम हो रहा है उधर